राधा 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 दी, थोड़ा इधर आइएगा। लातेहारच्या तरवाडी पंचायतीत जेव्हा लोक आजारी पडतात तेव्हा ते राधा राधा अशी हाक मारतात। त्यांची हाक ऐकून राधा धावत येते आणि उपचाराची सर्व व्यवस्था होते। विशेष म्हणजे शेकडो लोकांचा जीव वाचवणाऱ्या राधानं एकेकाळी जीव देण्याचा प्रयत्न केला होता। जवळपास 16 वर्षांपूर्वी पतीच्या त्रासाला कंटाळून तिनं स्वतःला पेटवून घेतलं होतं। हमको तो एकदम बर्दाश्त से बाहर होने के बाद हम अपने आत्महत्या करने का तैयारी कर लिए कि हम को धरती में रहना देता। राधा देवी यांचा भूतकाळ खूप वेदनादायी राहिलाय। त्या मजुरी करून मुलांचे पालन पोषण करत होत्या। त्यांचा मद्यपी पती त्यांना जबर मारहाण करायचा। आत्महत्येच्या प्रयत्नात राधा यांचा चेहरा भाजला, मात्र नशीब बलवत्तर म्हणून त्यांचा जीव वाचला। मैं ईट भट्ठा में काम करती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, पालने पोसने में बहुत दिक्कत हो रहा था। मैं कभी भट्ठा में काम करती, कभी रेजा कुली काम करती, कभी दारू बनाती, मैंने जिस हालत से बच्चे लोग को पाल पोस के बड़ा किया। आगीत भाजलेल्या राधाच्या जखमा भरल्यानंतर पुन्हा एकदा ती आयुष्य रुळावर आणण्याच्या दृष्टीने काम करू लागली। याच दरम्यान गावात आरोग्य कर्मचारी नियुक्त करण्यात येत होते। राधाला देखील मदतनीस म्हणून निवडलं गेलं। राधानं गर्भवती महिलांच्या घरीच प्रसूती करण्यापेक्षा रुग्णालयात नेण्यासाठी जनजागृती करण्यास सुरुवात केली। लोकांची मदत करण्यासाठी तिने दिवस रात्र मेहनत घेतली। गावातील बाळ बाळंतीण निरोगी राहू लागल्यानं लोकांमध्ये राधाची लोकप्रियता वाढू लागली। राधा रोज विविध गावांमध्ये फिरून क्षयरोग, कुष्ठरोग आणि इतर आजार असलेल्या लोकांची विचारपूस करते। तिचा हा सेवाभाव पाहून गावातील लोक तिला राधा दिदी म्हणू लागले। राधा जगा खबर तू ऐलक लगलक तू जांच करवैला तो का बात दवा चालू भेला वही मदद करा है लेगा है लाना है डिलीवरी वाला के अभी हाल में रात बिरात फोन उन कर दो वही तो चला हुआ है इलाज करवैलन खून चढ़वैलन दवाई बिरो होला सेवा मेहनत सब करबे घर लन चाहे रात को हो दिन को हो कभी भी अगर फोन किया जाए इनको तो भली भांति आकर लातेहर लेके इलाज भी करवा देती है। अगर घट गया 100-200 रुपया कभी भाड़ा भूता लंद फंद या कोई जरूरत पड़ता है कभी खाने पीने के लिए तो अपने जगह से लगा भी देती है बाद में उसको आदमी वापस कर देता है। समाजासाठी काहीतरी करावे हा संकल्प घेऊन राधाने कामाला सुरुवात केली। त्यानंतर तिने कधीच मागे वळून पाहिले नाही। जीवन संघर्षात पराजित झाल्याचं मानून स्वतःला संपवायला निघालेली राधा आता दुसऱ्यांना नवजीवन देतीये। जब भी बुलाते हैं दिन हो रात हो कभी भी बुलाते हैं राधा दी चली आती है। डिलीवरी हो या कुछ भी हो दीदी यहाँ है वहाँ चलना है यहाँ चलना है डिलीवरी वहाँ से आया है दीदी सही है नहीं है तो आइए। हर तरह का कार्य हम लोग को भी कहीं भी जाना रहता है तो इनके थ्रू ही हम लोग जाते हैं और बहुत सारी बात जो हम लोग को नहीं समझ में आता ये समझा देती हैं। कम नहीं हो तो 30-35 वो जान बचा दिए यहाँ से लेकर रांची से लेकर इटकी से लेकर लातेहार से लेकर जितना है उतना 30-35 आदमी को टीबी पेशेंट को ठीक किए और डिलीवरी तो खैर गिनने में अनगिनती है। एक साल में 60 हो 65 हो हर वर्ष होता है उतना को जान बचाते हुए जैसे जब भी हमको फोन किया कभी रात है बिरात है अगर किसी के पास बोलता है कि नहीं जाएंगे चाची पैसा नहीं है तो फिर बोलते हैं चलो तुमको बाद में दे देना हम पैसा लगा तुमको ठीक करके ले आएंगे उसको सब गांव से हॉस्पिटल ले जाते हैं फिर हॉस्पिटल से ला घर तक पहुँचा देते हैं। जिल्हा आणि राज्य स्तरावर अनेकदा राधाचा गौरव करण्यात आलाय। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनीही तिचा सत्कार केला आहे। राधाचे समर्पण बघून गावातील लोक तिचा आदर करतात। ग्रामस्थांसह गावचे प्रमुख आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच उपायुक्त देखील तिचे कौतुक करताना थकत नाहीत। कभी उस तरह होना चाहिए सभी सहिया के राधा देवी के ही देख के होना चाहिए सभी सहिया का। बाकी सहिया लोगों को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि राधा सहिया से वो एक तरह का प्रेरणा ले और उन्हीं की तरह काम के प्रति डिवोटेड हो। राधा लोकांकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळे खुश आहे। संघर्ष आणि छळाचे दिवस विसरलेली राधा आता स्वतःच्या दुःखांचा हिशोब ठेवू इच्छित नाही। आपलं जगणं दुसऱ्यांच्या कामी येतंय यातच राधा खुश आहे। काम आप किस लेवल पे कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। आपका अपने काम में कितना आप योग अपना पूरी आत्मा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने सहिया के तौर पे ही बहुत अच्छा काम किया है। जान घटना बचाए कि औरत का दर्द औरत ही जानती है चाहे सहिया के रूप में करे या तो फिर महिला के रूप में। कधीतरी जीवन संघर्षात हार पत्करून स्वतःला मिटवण्याचा प्रयत्न करणारी राधा आज समाजासाठी एक चांगलं उदाहरण आहे।
जे संकटांसमोर शरणागती पत्करतात त्यांच्याकरिता राधाची ही कहाणी प्रोत्साहन देणारीच आहे. राजीव कुमार, ईटीव्ही भारत, लातेहार. ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाउनलोड करा ईटीव्ही भारत ॲप.